हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज। आज हम इस वीडियो में जो इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये आपके सामने ये देख सकते हैं क्या लिखा है, वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, तो आप सही सुन रहे हैं, ये वर्क फ्रॉम होम है। आपने टाइटल में सही पढ़ा, आपने जो है ये थंबनेल भी देखा आपने, तो वो भी सही है। तो ये क्या है वर्क फ्रॉम होम? तो आपको वर्क फ्रॉम होम यानी आपके लिए यहाँ पे घर पे बैठे बैठे काम करना है। तो कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, क्या काम है, क्या पोस्ट, क्या जो आपको यहाँ पे देना है कि क्या है सारी चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और किस तरीके से क्या है, क्या पोस्ट है, आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो मेक श्योर कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है। ठीक है, जॉब्स के रिलेटेड वगैरह, उस चीज़ के बारे में सारी चीज़ें बनाई गई है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए फटाफट, ताकि आपको भी सब बोले कि वाह, ये मेरा दोस्त है, इसने मेरे लिए वीडियो भेजा है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें करनी है, किस तरीके से करनी है मैं आपको बताऊँगा। ओके, तो इस चैनल पे आप आए हैं, सही जगह पे आए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम है। ठीक है, ओके, वर्क फ्रॉम होम है। अब यानी कि आपको घर बैठे बैठे काम करना है। ओके, आप तो समझ चुके, आप लॉकडाउन हुआ, काफ़ी कोरोना वरना वगैरह की वजह से पूरा घर बैठे बैठे आपका पूरा साल बर्बाद गया। ठीक है, तो आप घर बैठे बैठे ऐसा पैसा तो आ नहीं रहा, तो आपको कुछ ना कुछ कोई जिसका जिसका काम था वर्क फ्रॉम होम, उन्होंने किया और पैसे कमाए। जिन्होंने जिसके पास नहीं था, वो चांस नहीं मिला उनको, तो वो क्या किए, बैठे थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। तो आपको क्या मैं बता रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कीजिए, बेस्ट। ठीक है, पैसिव इनकम, ये सारी चीज़ें आपको बैठ बैठ के सारी चीज़ें करने, वर्क फ्रॉम घर पे बैठे बैठे काम हो जाएंगे आपके। तो मैं क्या है वो काम मैं बताता हूँ आपको जल्दी जल्दी, बिना टाइम वेस्ट किए। तो किस तरीके से करना है, आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक, तीन लिंक दिया है, तीनों लिंक को ओपन करूँगा मैं, यहाँ पे बताऊँगा आपकी चॉइस जो भी रहेगी वो ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, तो पहला ये है, मैं बता रहा हूँ तीन जॉब बताऊँगा, तीनों में से जो भी आपको चूज रहेगा वो कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। वह कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या क्या लिखा हुआ है, लोकेशन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, लोकेशन यानी कि एनीवेयर, कहीं पे भी आप रहें तो वो आप क्या कर सकते हैं, अपना जॉब जो यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम यानी घर बैठे बैठे काम कर सकते हैं। यहाँ पर जॉब टाइटल फुल टाइम आप कर सकते हैं इजीली। अब एक्सपीरियंस यहाँ पे 0 to 5 years, ठीक है, 5 साल का भी चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 साल का है, यानी कि आप एडवांस में यहाँ पे सारी चीज़ें काम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कस्टमर सपोर्ट के लिए एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि क्या चीज़ें आपको क्या जरूरत रहती है, और एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश में, हिंदी में नॉलेज ऑफ एडिक्शनल लैंग्वेज के बारे में अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 साल का आपको एक्सपीरियंस कम से कम होना ही तो चाहिए। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज आपको आना चाहिए, कि अकाउंटेबिलिटी, डिसेबिलिटी, डिलीवरी, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई थी, हार्ड वर्ड यहाँ पे देखते थे, कस्टमर थ्रू कॉल, वॉइस प्रोसेस, तो आपको मतलब ये सारी चीज़ें आपको करने पता ही होगा, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, अच्छे से कर सकते हैं, एडवांस लेवल में कर सकते हैं, आप अच्छे से इंक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं कैसे क्या करना है, मेंटेन रिलेशन विद कस्टमर के साथ आपको अच्छा रिलेशन रखना है, सपोर्ट इन्फॉर्मेशन एंड गाइडलाइंस एंड प्रोवाइड विद 100% सेटिस्फेक्शन, आप उसके साथ आपका मतलब होना चाहिए, प्रोडक्शन डे बाय डे परचेस, यहाँ पे फोकस क्वालिटी एंड डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेनेशन वेल, और मेंटेन टीम स्प्रिट, पॉजिटिव एनर्जी एट वर्क। ठीक है, काम करते समय हमेशा पॉजिटिव रहना आपको, और ये सारी चीज़ों को मुझे बताया यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। यहाँ पे साउंड लाइक द जॉब फॉर यू, यहाँ पे द सिंपल फॉर दी वी विल कॉन्टेक्ट यू, तो यहाँ पे क्या करने होंगे आपको, यहाँ पे आपको थोड़े से बस आपके जो है, अगर ये आपको पसंद आया, आपने ये आपको मतलब यही जॉब करना है, ठीक है, तो क्या करना होगा आपको, यहाँ पे आपका नाम क्या है पूरा नाम भर दीजिए, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, इजी कॉन्टैक्ट नंबर आपका, वो कॉन्टैक्ट नंबर आप फिल कीजिए, ईमेल आईडी क्या, अपना ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप कर लीजिए, व्हाई शुड वी वर्क विथ यू वो फिल करने, क्यों फिल करने यहाँ पे, तो सारी चीज़ें फिल करने होंगे, और रिज्यूम आपको यहाँ पे फिल करने होंगे, फिर क्या करने होंगे, सबमिट कर देने होंगे। ठीक है, ईजी है। अब क्या होगा, यहाँ पे कुछ 10 से 15-20 दिन के बीच में आपको जो है कांटेक्ट किया जाएगा, अगर नहीं कांटेक्ट आता तो आप जो है दूसरा चूज कर सकते हैं, बट 10 से 15 दिन तक आप तो कुछ कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं इस जॉब के लिए, तब ताकि आपको सेलेक्ट किया जाए उसमें, अगर आ गया नोटिफिकेशन आपको सेलेक्ट कर दिया गया है, तब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे, अब ये जो है वर्क फ्रॉम होम यहाँ पे आप स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये ऐसे आपको अप्लाई करने होंगे, जो अदर ओपनिंग यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हो, ओपन हुआ है जो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। तो और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दूसरा, इसके बाद एकेडमिक ट्रेनिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने दिया है लिंक, अगर आप ये चाहते हैं ट्रेनिंग का, ठीक है, जो इंग्लिश का यहाँ पे एकेडमिक करने वाले, वर्क फ्रॉम होम लोकेशन है यानी घर बैठे बैठे फुल टाइम कर सकते हैं, एक्सपीरियंस आपको 5 साल का होना चाहिए, वैकेंसीज यहाँ पे 10 है, यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग डिज़ाइन एंड डिलीवरी, ओके, यहाँ पे डिज़ाइन एंड इनहेंस टीचर से ट्रेनिंग, स्पेनिंग, पैडागोगी, ऑनलाइन क्लासरूम मैनेजमेंट, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, कंटेंट
जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कंटेंट डिलीवरी एंड कंपनी पॉलिसीज, सारी चीज़ें आपको मालूम इसमें, सारी चीज़ें क्रिएटिव प्लान्स, कंटिन्यूसली एंड आउट गोइंग ट्रेनिंग, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करने आने चाहिए। आपको एक्सपीरियंस बोला गया यहाँ पे 5 साल का होना चाहिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करना होगा। टीचर ऑन जॉब ऑन टू ट्रेनी, यहाँ पे डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट जॉब ऑन द ट्रेनी प्रोग्राम फॉर द न्यू टीचर्स, ट्रैक एंड मोनिटर प्रोग्राम ऑफ टीचर, यहाँ पे लिखा हुआ ऐसा, ओके तो आपको ऐसे करने होंगे। टीचर क्वालिटीज यहाँ पे बताया गया है, कंटेंट ओनरशिप बताया गया है, और ये फिल कीजिए फॉर्म, ठीक है, ओके तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। टीचर सिलेक्शन यहाँ पे कंडक्टेड, टीचर सिलेक्शन इंटरव्यू एंड इम्प्रूव द सिलेक्शन प्रोसेस, तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें आपको जो है सिलेक्शन हो तो जाएगा। फिर यहाँ पे टीचर व्यू का, सॉरी यहाँ पे लिखा है कंडक्टेड टीचर सिलेक्शन इंटरव्यू के थ्रू, यहाँ पे भी लिखा गया है, ओके तो आपको क्या करने होंगे, यहाँ पे ये जो फॉर्म है ये फिल कीजिए। ये जॉब अगर आपको पसंद आई तो आपको ये अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आप टीच यहाँ पे जो एकेडमिक ट्रेनी जो यहाँ पे ट्रेनर बन सकते हैं इंग्लिश टीचर्स का, ठीक है, तो यहाँ पे आपको नाम अपना पूरा नाम यहाँ पे क्या करना है टाइप करना, आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे टाइप करने जो भी होंगे अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे टाइप कर लेने, ठीक है, ईमेल आईडी क्या अपना ईमेल आईडी टाइप किए टाइप कर लीजिए यहाँ पे, आपको पता है मैंने स्टार्टिंग में सब बताया। यहाँ पे रिज्यूम यहाँ पे जो अपलोड कर लेने होंगे, फिर सबमिट पे क्लिक कर देने, ओके यहाँ पे आप देख सकते बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएशंस, यहाँ पे सारी चीज़ें, मतलब यहाँ पे आपको अलग अलग जो यहाँ पे अदर ओपनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश टीचर सेल्फ एग्जीक्यूटिव टीचर्स, ओके कस्टमर सपोर्ट तो मैं बताया मैंने, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का मैनेजमेंट मैनेजर, ओके बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। अब मैंने जो थर्ड, ओके थर्ड जो यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग का यहाँ पे इंग्लिश का यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो इंग्लिश टीचर का यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें, डिजाइनिंग सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन कैसे चेक करना आपको सारी चीज़ें, फिर आपको ये फॉर्म फिल करना, सबमिट कर देना, और कुछ आपको 10 से 15 दिन के बीच में आपको रिप्लाई आ जाना चाहिए, ठीक है, आ गया तो समझ लीजिए यस आपका हो गया काम, ठीक है, अगर नहीं आया तो यहाँ पे जो है आपको वेट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना होगा दूसरे जॉब के लिए फटाक से अप्लाई कर लेने होंगे, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ भी डाउट हुआ या फिर कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो फीचर पाने के लिए, इस तरीके का वीडियो फीचर पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आए तो गिव इट अ थम्स अप, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।